अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर आधार कार्ड से फोन पे के थ्रू अपने बैंक का यहाँ पर यूपी पिन सेट कैसे कर सकते हो, फी का कंप्लीट प्रॉफिट दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आपको फोन पे का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर फोन पे पर रिटर्न हो जाएंगे। अब यहाँ से फोन पे को इंस्टॉल कर लेना है, तो जैसे यहाँ पर हमने फोन पे इंस्टॉल कर लिया तो ओपन वाला ऑप्शन आ चुका है, आपको भी फोन पे को इंस्टॉल कर लेना है, फिर ओपन वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपने फोन पे ऐप को ओपन करना है। अब जैसे आप अपने फोन पे ऐप को ओपन करोगे, एंटर योर मोबाइल नंबर, अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर हो, तभी आप उस बैंक को फोन पे में लिंक कर सकते हैं और फोन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे फिर यहाँ पर ब्लू कलर में यहाँ पर प्रॉफिट वाला ऑप्शन आ जाएगा नीचे, तो जैसे ही आप फिर यहाँ पर आपको प्रॉफिट कर देना है। जैसे ही आप प्रॉफिट करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर फोन पे की तरफ से एक OTP भेजा जाएगा, वह OTP यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं OTP ऑटो सबमिट हो चुका और हमारा यहाँ पर फोन पे में अकाउंट बनकर तैयार हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फोन पे का कुछ प्रकार इंटरफेस होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमको बैंक लिंक करना है, लेकिन दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसे आप फोन पे में लॉगिन हो जाकर यानी आपका अकाउंट बनकर तैयार हो जाता है, अब यहाँ पर बैंक लिंक करने के लिए क्या करना है, बैंक लिंक करने के लिए फोन पे का जो ऊपर का जो प्रोफाइल का लोगो शो हो रहा है आपको इसी फोन पे के ऊपर प्रोफाइल के लोगो पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप फोन पे के प्रोफाइल के लोगो पर क्लिक करोगे यहीं पर आपको पेमेंट मेथड में यहाँ पर एड बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। अगर आपको यहाँ पर स्मॉल में यानी छोटे में लिखा हुआ है ऐड बैंक अकाउंट तो आपको उसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यानी आपको ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना। तो जैसे ही हमने ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो अब आपके सामने यहाँ पर बहुत से बैंक आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपका जो भी बैंक हो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने बैंक का नाम सर्च करना है। जैसे हम यहाँ पर कोई भी बैंक सर्च करते हैं तो आपका बैंक आ जाएगा, आपका जो भी बैंक हो। अब जैसे यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पंजाब नेशनल बैंक आ चुका है। आपका जो भी बैंक हो यहाँ पर आपको अपने बैंक का नाम सर्च करना है, आपका बैंक आ जाएगा। अब जैसे आपको अपने बैंक को फोन पे में लिंक करना है तो बैंक को लिंक करने के लिए आपको अपने ही बैंक पर क्लिक कर देना है और आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट फाइंड कर रहा है और आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली इसने हमारा यहाँ पर अकाउंट फाइंड कर लिया है। अगर आपके मोबाइल नंबर पर रिचार्ज होगा तभी यहाँ पर SMS सेंड होता है, तभी हमारा बैंक फोन पे में लिंक होता है। ओके, तो इसने हमारा बैंक फाइंड कर लिया है और जब आपका बैंक फर्स्ट टाइम लिंक करोगे तो आपका एक UPI ID भी क्रिएट होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर UPI ID क्रिएट हो चुका है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो अभी आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए आपको यहीं पर एडिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो आप यहां पर एडिट पर क्लिक करके इस UPI ID को चेंज कर सकते हैं। कोई भी नेम नंबर यानी आपको एक यूनिक UPI ID क्रिएट कर लेनी है जो किसी ने नहीं बनाई हो। UPI ID क्रिएट करने के बाद फिर यहीं पर आपको नीचे प्रॉफिट टू ऐड का एक बटन देखने को मिलेगा यानी ऑप्शन, तो आपको इसी प्रॉफिट टू ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक। जैसे ही हमने प्रॉफिट टू ऐड किया सेट UPI पिन, अब हमारे बैंक का यहाँ पर UPI पिन सेट नहीं है इसलिए यहाँ पर सेट UPI पिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप यहां पर नीचे देख सकते हैं सेट UPI पिन, लेकिन अगर आपके बैंक का यहां पर UPI पिन सेट होगा तो कुछ अलग इंटरफेस होगा यानी रीसेट पिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा आपको। तो आपके में सेट UPI पिन का या रीसेट का उसके बाद सेम इंटरफेस ओपन होता है। तो अब हम यहां पर अपने बैंक का UPI पिन सेट करेंगे। तो UPI पिन सेट करने के लिए जो भी हमको यहाँ पर सेट UPI पिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है हम इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक। अब जैसे ही हमने यहाँ पर सेट UPI पिन पर क्लिक किया आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार नंबर और डेबिट कार्ड, अब हमारे सामने दो ऑप्शन हो रहे हैं यानी हम आधार कार्ड से भी और ATM कार्ड से भी अपने बैंक का UPI पिन सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप जैसे आधार कार्ड से UPI पिन सेट करने के लिए जा रहे हो तो यहाँ पर इसकी टर्म एंड कंडीशन है,
यानी जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है वही मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप आधार कार्ड से अपने बैंक का यूपी पिन सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर आधार कार्ड से यूपी पिन सेट करें तो हम यहाँ पर आधार वाले ऑप्शन पर टिक रहने देंगे, फिर यहाँ पर हम प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर जैसे ही हमने प्रोफाइल किया वेरीफाई आधार नंबर एंटर दी फर्स्ट डिजिट ऑफ आधार नंबर, यानी जो आपका आधार कार्ड है उसमें 12 डिजिट का एक नंबर होता है, तो अपने आधार कार्ड के आपको शुरू के 6 डिजिट ही यहाँ पर एंटर कर देने हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर अपने आधार कार्ड के शुरू के 6 डिजिट एंटर कर चुके हैं, फिर यहाँ पर आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। उसके बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक 6 डिजिट का OTP आएगा, वह OTP यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। OTP नहीं आए तो आप यहाँ से फिर से रीसेंट OTP कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आधार OTP एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। उसके बाद आपके जो बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आएगा, आप यहाँ पर दे सकते हैं हमारा OTP आ चुका है या OTP ऑटो सबमिट हो चुका है। OTP सबमिट होने के बाद अब हमको यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेट 6 डिजिट UPI पिन। अब यहाँ पर आपको कोई भी UPI पिन सेट कर लेनी, यानी जब भी आप अपने बैंक के थ्रू फोन पे से पैसा ट्रांसफ़र करोगे, सेंड मनी करोगे, रिचार्ज बिल पेमेंट कुछ भी करोगे तो आपको बार बार यही पिन एंटर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप कोई भी मनपसंद के यहाँ पर 6 डिजिट के यूपी पिन क्रिएट कर लें। तो हम यहाँ पर एक पिन बना चुके हैं, अब यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, कन्फर्म 6 डिजिट यूपी पिन, आपको वही वाली यूपी पिन फिर से एंटर कर देनी, यानी कन्फर्म कर देना है। तो हम फिर से उस यूपी पिन को फिर से एंटर कर, हम फिर से एंटर कर चुके हैं, अब यहाँ पर आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर और इस प्रकार आप यहाँ पर अपने बैंक का यूपी पिन सेट कर सकते हैं।